हेलो फ्रेंड्स आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास टुडे वी आर डूइंग क्लास एट्थ बुक हलो डॉएच मॉड्यूल फाइव लेक्सियन टू गेजुंड लेबन दिस इज द वीडियो ऑफ आर बाइट बुक वर्कबुक की वीडियो है ये इसमें पूरे वर्कबुक कवर किया गया है जो कि क्लास एट्थ की लेसन टू है गेजुंड लेबन तो वीडियो को एंड तक देखना पूरा वीडियो आपको समझ आएगा वर्क के सारे इसमें गिवन है टेक्स्ट बुक का जो लेसन टू है उसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें ध्यान है, है इस रखना है कि कैसे इनसे हम यूज करके सेंटेंस बनाते हैं जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हो मतलब जो आपके लिए जरूरी है समथिंग विच हैजू बी डन लाइक कि आई हैव टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और क्या क्या काम है जो आपको करना जरूरी है जैसे तो इस तरह से आप बना आपके लिए जरूरी है तो ये मूस के साथ आएगा मोडाइल वर्ब है नीचे मैंने कॉन्जुगेशन भी लिखी हुई है मोडाइल वर्ब की आप उसमें से भी देख सकते हैं और, और क्या लिख सकते हैं आप गेन पैदल, पैदल, स्कूल जाना।, मतलब जाना ये भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है तो हेल्थ के ऊपर तो इसी से रिलेटेड वो कैब है भै? और क्या कर सकते हैं और आप स्विमिंग कर सकते हैं स्पोर्ट्स खेल सकते हैं तो ये मुस्क के साथ आएगा समथिंग विच इज कम्पल्सरी दूसरी जो मोडाइल है वो आप देख रहे हो डार्कनेस्ट क्या आप नहीं कर सकते विच इज नॉट अलाउड टू यू जैसे लेट इवनिंग तक टीवी नहीं देख सकते कोला नहीं पी सकते कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते आप और आप क्या नहीं कर सकते इस डार्फ इस डार्फ निस्ट सुलांग आम कंप्यूटर जिटसन आप कंप्यूटर के आगे नहीं बैठ सकते ज्यादा टाइम तक तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें जो नहीं करना है वो ड्यूरफन के साथ आएगा निस्ट और काइन निस्ट का मतलब होता है आप देख रहे हो निस्ट आपको लगाना है जब आपको पता है कि निष्ठ का आपको यूज करना जब आपको पता है कि यहाँ पे नाउन नहीं है और जैसे कोला नाउन है तो कोला से पहले आपको काइन लगाना है तो काइन हम यूज करते हैं नाउन से पहले बाकी सब जगह निष्ट आएगा तो सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हो आप कि क्या आप नहीं कर सकते तो इसमें बाकी जो ऑप्शन है सारे वो डेर के साथ आएंगे डार्क के साथ जैसे आप पोमोस फ्रिट्स नहीं खा सकते तो इस डार्क काइन फ्रिट्स मिट कैचअप आप केचप के साथ फ्रेंच फ्राइज नहीं खा सकते क्योंकि अनहेल्दी होता है तो जो भी अनहेल्दी होता है जो आप नहीं कर सकते वो ड्यूर्फन मोडाइलवर्ब है उसके साथ आपको यूज करना है नेक्स्ट मैंने आपको वर्ब कॉन्जोगेशन बताइए वर्ब होती है ड्यूरफन और म्यूसन ड्यूरफन का मतलब होता है मे और मे नॉट मतलब समथिंग यू मे डू जो आप कर सकते हो अलाव है या नहीं अलाओ है और म्यूसन का मतलब होता है मस्ट जो आपके लिए कंपलसरी है करना तो दोनों की कॉन्जुगेशन मैंने यहाँ पे लिखी आप देख सकते हो ड्यूफन और म्यूसन की इश मूस और इस डार्फ आप देख रहे हो येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है इश और एर जी दोनों ही पर्सन की कॉन्जुगेशन मोडाइल वर्ग में सेम होती है इसका मतलब है अगर इश इश्म है तो इस डार्फ है तो उसी तरह से एर जी एस भी डार्फ और मूस होगा दोनों सेम होता है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सेम होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया आपको मोडाइल वर्क जो ड्यूरफन है ये आपको अरेंज करनी है इसकी कॉन्जुगेशन तो ये आप सीधा इसमें से देख सकते हैं आप कॉन्जुगेशन पड़ के अपने आप भी कर सकते हैं और नहीं तो आप अपने आंसर डायरेक्ट यहाँ से मैच कर सकते हैं उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन जिसमें आपको सेंटेंसेस बनाने हैं ज्वाइन करके जैसे मैंने लिखा है स्पोर्ट तो स्पोर्ट आपको पता है स्पोर्ट के साथ आप ज्वाइन करोगे इसको तो सेंटेंस बनेगा जैसे स्पोर्ट क्योर पर ठीक है है जो वो बॉडी को अच्छा रखता है उसी तरह से मैंने बनाया है दास राड गेहोट किंडन तो आपको सभी लाइन में से एक एक वर्ड लेना है एक आर्टिकल लेना है और फिर लास्ट में इनको मैच करना है आप देख रहे हो गेहोरन मीन्स बिलोंग होता है शार्डन मीन्स इंजूरियस और डेंजरस हेल्प मीन्स हेल्प करता है टूट मीन्स समथिंग दैट मेक्स यू गुड जो आपको अच्छा रखता है और स्मैक्ट मतलब टू टेस्ट

तो पूरी आरबाइट्स बुक का ये चैप्टर आपको इजीली समझ आएगा आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो तो मेरी यही कोशिश है कि आप सभी आरबाइट्स बुक से पढ़ें और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस वीडियो को देखो और आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से एंड तक समझ आ जाएगा तो इसमें सेंटेंस फ्रेम करने थे ऐसे मैंने फोर्थ सेंटेंस लेसन शार्ट डिम मागन मतलब बहुत ज्यादा खाओगे तो आपके मागन मतलब स्टमक को आपको स्टमक को डैमेज करेगा और हार्मफुल है स्टमक के लिए तो मागन मतलब स्टमक होता है मैंने मीनिंग्स भी लिखे कहीं कहीं पर डिफिकल्ट वर्ड्स के जैसे फिफ्थ नंबर देखो काफे शमेक्ट डेन यूंगन तो काफे जो है वो शमेक्ट शमेक्ट का मतलब होता है टू तो टेस्ट तो टेस्ट करती है यंगस्टर्स को तो उसका टेस्ट यंगस्टर्स को पसंद आता है तो टू टेस्ट होता है ठीक काफ, मतलब है काफर मतलब टू टेस्ट इस तरह से आपको मीनिंग्स भी मैंने लिखे हुए जैसे राड फार एन हेल्प डेन मुस्कल और यह मुस्कल का मतलब क्या मसल्स साइकिल चलाते हो आप तो आपके जो मसल्स है वो स्ट्रांग होते हैं ठीक है तो इसलिए ये हेल्दी है चॉकलेट जो है आपकी फिगर को शार्डेड खराब करती है है आपकी फिगर के लिए तो पिक्चर्स देखकर आपको बताना है कि क्या चीज अलाउड नहीं है देखिए क्रॉस लगा हुआ है पिक्चर में जैसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि साइकिल चलाना अलाउड नहीं है इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे मान डारियर का यहाँ पे राड एक नाउन है इसीलिए मैंने काइन का यूज किया है ये बात आपको मैंने अभी बताई थी कि नाउन से पहले हम काइन लिखते हैं ठीक है और नहीं तो अदरवाइज सब में हम निष्ठ लिखते हैं दोनों का ही मतलब है सेंटेंस को नेगेटिव बनाना निष्ठ की हेल्प से और काइन काइने की हेल्प से हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं काइने काइनन ये नाउन का आर्टिकल है उस पर डिपेंड करता है तो इस तरह से मैंने वन टू तो एट सेंटेंस बनाए पिक्चर्स को देख के आप इसको डायरेक्टली नोट कर सकते हैं और अपने सेंटेंसेस के आंसर भी आप मैच कर सकते हैं इसी तरह से आप देखेंगे मतलब तो आपको एग्जाम्पल दिया है उसी तरह से आपको आप बनाने हैं तो ये आंसर भी मैंने लिख दिया आपके लिए जैसे फर्स्ट है इश्ट आइस हियर एन कि क्या यहाँ पे आइसक्रीम खाना अलाउड नहीं है मतलब प्रोहिबिटेड है तो आप लिखोगे हाँ यान काइंड आइस एसन तो यहाँ भी नेगेटिव आप बना रहे हो तो आपको नेगेटिव का यूज़ करना आना चाहिए सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं ये बहुत जरूरी है आपके लिए तो इस तरह से आप देख सकते हो तो काइन आइस क्योंकि आइस भी नाउन है जर्मन में जिसका भी लेटर कैपिटल होता है वर्ड का वो नाउन होता है और आप कह सकते हो तो कि नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं तो उससे पहले जब भी नेगेटिव बनाओगे तो आप काइन यूज करोगे काइन राड आप देख रहे हो काइन राड भी है काइन आउट हो तो ये सब क्या नाउन है इसलिए यहाँ पे मैंने काइन लिखा है अदरवाइज सब में आप निस्ट भी लिख सकते हो ठीक है तो इस तरह से वन टू फाइव सेंटेंस मैंने बनाया ये आप बिल्कुल इसको देख के यूज कर सकते हो और सीख सकते हो नेक्स्ट आप देखोगे सेंटेंसेस विद वाइल क्वेश्चन नंबर सेवन वारू मतलब वाई तो उसका आंसर आप दोगे वाइल में मतलब बिकॉज तो जब भी हम इंग्लिश में भी कोई क्वेश्चन वाई से पूछते हैं कि वाई डू यू प्ले स्पोर्ट वाई आर यू ड्रिंकिंग कॉफी तो इस सब के आंसर जो होते हैं वाइल मतलब बिकॉज में आप आंसर देते हो तो सेम उसी तरह से फॉर्मेट है ये वन टू सेवन सेंटेंसेस हैं पहले क्वेश्चंस लिखे लेफ्ट साइड में और राइट right साइड में आपको आंसर्स मैच करने हैं तो जैसे मैंने फर्स्ट का लिखा है इस के कामिलिन कामिलिन टी टी मैं टी पीता हूं, तो फर्स्ट का आंसर सेकंड एक्चुअली फर्स्ट का ऑलरेडी गिवन है तो सेकंड का आंसर हो गया इसमें वाइलिश बाउकन हा भाई मतलब मेरे को स्टमक में पेन है तो फर्स्ट का आंसर आप लिख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट मतलब यहाँ पे ही होगा क्योंकि फर्स्ट ऑलरेडी एग्जाम्पल में है तो यहाँ पे सेकेंड का आंसर जो है वो है मैं यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर देता हूँ सेकंड का आंसर आपको मिलेगा डी ठीक है इस तरह से आप देखोगे थर्ड का जो आंसर है कि तो ए आंसर हो गया। इस तरह से आप देखोगे फोर्थ का जो आंसर है कि यहाँ पे मतलब सेकेंड थर्ड और फोर्थ का आंसर तुम इवनिंग में दूर नहीं क्यों नहीं जाते हो क्योंकि मैं इसलिए दूर नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मना करते हैं पेरेंट्स डोंट अलाउ तो ये हो गया जी तो इस तरह से मैं सबके आंसर अभी लिख देता हूं। आपको इजी होगा सेंटेंस फ्रेम करने में फिफ्थ का भी आंसर मैं इस तरह से लिख देता हूँ फिफ्थ का आंसर होगा वाइलिश म्यूड बिन तो फिफ्थ का आपका बी तो इस तरह से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे और इस तरह से आपको आपकी मिलेंगे जो लास्ट है, इसका जो आंसर होगा ई तो ये मैंने आप, आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो और आपको आंसर पता चल जाएंगे आप सेंटेंस पूरा भी बना सकते हो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट आंसर फ्रीली मतलब आपको अपने आप आंसर लिखना है आपको सेंटेंस वारूम से क्वेश्चन दिया हुआ है आपको वाइल लगा के आंसर कंप्लीट करना है जैसे कि वारूम इज तुम फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं खाते हो तो मैंने इसका आंसर लिखा बिकॉज फ्रेंच फ्राइज आर अनहेल्दी तो वाइल है देख रहा हूँ वाइल के साथ वर्क का प्लेस लास्ट में जाता है ये रूल है ये मैं सब में देखिए वर्क प्लेस को हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से ये सब लास्ट में लिखना है आपको तो आंसर आपको अपनी मर्जी से लिखना है कोई भी सुटेबल आंसर आपको इसमें देना है ठीक है तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है तो वाइल के साथ आंसर में वर् हमेशा लास्ट में लिखते हैं हम तो ये सारे सेंटेंस वाइल से ही बनेंगे मैंने बना दिए हैं आप इसको पढ़ सकते हो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे करना है सेंटेंस को दो से, दोबारा वाइल मतलब बिकॉज जैसे फर्स्ट देखिए इश ऐसे मैं बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाता हूँ क्योंकि मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ so मैंने लास्ट में लिखा है क्योंकि ये मोडाइल वर्ब है और ये कॉन्जुगेटेड वर्ब है while के साथ वर्ब लास्ट में आएगा ये आपको भूलना नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जब भी आप वाइल लिखोगे तो उसका वर्ब लास्ट में ही लिखना है ये है, ये रूल है आपको याद रखना है इस चैप्टर में इसी का सबसे ज्यादा यूज हुआ है एक तो मोडाइल वर्ब और दूसरा वाइल के साथ सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये दो चीजें आपको इस चैप्टर में मेनली सिखाई गई है अगर आपको ये दोनों ही चीजें पता है तो चैप्टर आप सेवेंटी परसेंट आप चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो तो इस तरह से ये सेंटेंस है यहाँ पे सिक्स सेंटेंसेस हैं और इनको वाइल से कनेक्ट करना है मैंने ऑलरेडी इनके आंसर लिख दिए आप पढ़ के समझ के इसको कर सकते हो तो मैंने बताया कि अरबाइक्स बुक के मैंने सारे क्वेश्चन के ऑलमोस्ट आंसर लिख दिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन देखोगे आप यहाँ पे डायलॉग है डॉक्टर और पेशेंट के बीच जो कि हेयर श्स एक पेशेंट है और वो डॉक्टर के पास विजिट करते हैं बिकॉज ही इज नॉट वेल वो बीमार है तो डॉक्टर और मिस्टर श्वार्स जो कि पेशेंट है उनके बीच एक डायलॉग है तो इसमें जो कुछ लाइंस मिसिंग है पेशेंट की वो आपको ऐड करनी है तो मैंने ऐड कर दिए आप देख सकते हो हेर श्वार्स और डॉक्टर के बीच का डायलॉग है मैंने कंप्लीट कर दिया ये डायलॉग आप यहाँ से डायलॉग भी देख सकते हो और सीख सकते हो डायलॉग कैसे बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसमें आपको क्या है जंबल वर्ड्स है ज्वाइन करना सेंटेंस फ्रेम करना है कहीं पे सेंटेंस फ्रेम करना है और कहीं पर आपको क्वेश्चन बनाना है ये आपको देख ही पता चलेगा बुक में तो बुक अपने पास जरूर रखना जैसे फर्स्ट kind of का मतलब होता है मंचमाल मतलब भी बोलते हैं ठीक है तो मैं इसका मीनिंग भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो सेंटेंस समझने में तो ये संटेंग सारे सेंटेंस वन टू तो सिक्स हैं मैंने इसके आंसर सारे लिख दिए हैं यहाँ पे जम्बल वर्ड से इनके आंसर कैसे बनाते हैं मैंने इसमें ऑलरेडी लिख दिया है और आपको अगर ये सारी स्क्रिप्ट चाहिए जो मैंने लिखी हुई है अभी यहाँ पे ये आपको स्क्रिप्ट सारी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आपको सारे आंसर एक पी फॉर्म में मिल जाएंगे उसका प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हो तो मैं सारी स्क्रिप्ट जो भी मैं लिख रहा हूँ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको देख के पढ़ भी सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए स्टेल फ्रागन मतलब आंसर्स हैं

इस वीडियो में इतना ही मॉड्यूल फाइव गेजुन लेबन का आरबाइट्स बुक का वीडियो था इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको पूरा ये स्क्रिप्ट पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी तो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू वीडियो लॉट ऑफ गुड लक फॉर योर एग्जाम्स बाय टेक केयर